क्वेश्चन नंबर 34 में जो क्वेश्चन दिया था डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन बॉन्डिंग एटम्स विद व्हिच मे बी आइदर सेम और डिफरेंट। ओके, तो नहीं तो कोवेलेंट बॉन्ड आर द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बस विद द सेम एटम और डिफरेंट एटम्स। जैसे हाइड्रोजन आयन तो सेम एटम्स होंगे और हाइड्रोजन को लेने होगा तो डिफरेंट एटम्स होंगे। उसके बाद दिया था कोवेलेंसी, जस्ट इज ए डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी लाइक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन एटम फॉर शेयरिंग इज नोन एज इट्स कोवेलेंसी। याद रहेगा बेटा काफ़ी दिन तक, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन एटम फॉर शेयरिंग इज नोन एज इट्स कोवेलेंसी। और जो एग्जाम्पल बोला था उसमें तुम्हें हाइड्रोजन का एग्जाम्पल तो दोगे, सिंगल बॉन्ड बना के देखना, शेयरिंग करके दिखाना पड़ेगा। ऑक्सीजन का उसमें भी दिखाना पड़ेगा, नाइट्रोजन का वो भी दिखाना। सपोज तुमने और कोई बना रहे हो डिफरेंट एटम्स का, मीथेन का बना दो, इथिन का बना दो, इथाइन का बना दो, तो तुम्हें फिर बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, छोटे में काम कर लीजिएगा, नहीं तो सब में शेयरिंग दिखाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। तो इजी एग्जांपल को ले लीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बीच में दो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बीच में चार इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करके भी दिखा दो। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? तो ऑलवेज ध्यान रखना कभी कोई क्वेश्चन अधूरा नहीं करना। जैसे तुमने मीथेन वाला एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल, लेकिन तो उधर पे हाइड्रोजन को भी दिखाओ, इसको भी दिखाओ, तो काफ़ी टाइम लग जाएंगे ना। अंडरस्टूड बेटा, समझ में? जिसने मीथेन का एग्जाम्पल लिखा और टाइम कंज्यूमिंग होगा, और इसके बारे में ध्यान रखेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, कम से कम जो 3 घंटे के पेपर को 2 घंटे से तो पहले तुम्हें सॉल्व करना पड़ता है, 1 घंटा पूरा रिविजन के लिए रखना पड़ता है, तब जाके तुम्हें मार्क्स मिलेगा। अभी ऐसे करके हर दिन हम लोग कुछ पेपर सॉल्व करते जाएंगे ना, तुम्हें इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम पूरा कर लोगे। बेटा देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही आसान बात है। अभी तुमको लग रहा है ना, पहले तुमने पहले दिन जब कार्बन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे तो कैसे लग रहा था, बेकार सा। अभी तुमको समझ में आ रहा है तो काफ़ी स्पीड बढ़ जाएगा। अभी तुमको किसी ने बोल दिया ABCD लिखने के लिए, है ना, उस टाइम में कोई बोलता था कि छोटे जब तुम थे उस टाइम में कोई बोलता था ABCD लिख के दिखाओ, है ना, 2 मिनट में, तो तुम तो नहीं लिख पाते थे, तो तुम बोलते कि 2 घंटे दे दो, लेकिन आज तुमने 2 मिनट में ऐसे ही करके एक्सपीरियंस हो जाएगा और तुम कर पाओगे। हर्सल होता है ना, पिछले बार भी 4 बच्चे को मिला था ना 100 साइंस में, कैसे मिला था? ऐसे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन वोमेन, जो भी बोलो, गर्ल्स बॉयज सब परफेक्ट। ठीक है, अच्छा हाँ, वहाँ पे एक वर्ड है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वहाँ पे ह्यूमन होना चाहिए ना। हाँ।